मालेगांव तहसील के पुरवठा विभाग के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा केरोसिन की माफियागिरी अब बढ़ती जा रही है। आम आदमी के हिस्से का केरोसिन गायब कर दिया जा रहा है, जो ग्रामीण लोगों की सबसे महत्वपूर्ण जरूरत है। कुछ दिनों से महाराष्ट्र शासन ने प्रति व्यक्ति 2 लीटर केरोसिन देने की योजना बनाई है। इस वितरण की सारे अधिकार प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिए हैं, लेकिन हमें हर महीने फंसाया जा रहा है। अगर एक कार्ड पर 4 व्यक्ति हो तो 8 लीटर मिलना चाहिए, लेकिन वो 5 ही लीटर देते हैं। कुछ लोगों की समस्या है कि अगर कार्ड में यूनिट 8 लिखा है तो आप 4 देते हैं, 5 देते हैं। अगला महीना ना भी बाकी है ना। 4 राकेल वाले हो यहाँ पर, मेरे पास ही अकेला कार्ड नहीं इनका सबका। ये आपकी तरफ? हाँ नहीं, ये नंबर मेरे तरफ है, वो कैसा ये मैंने तो दिए ना, अब पिछले महीने मेरे पास दूसरे नंबर थे, महीने मेरे पास दूसरे नंबर है, हर महीने पिछले महीने 5 तीसरे नंबर से आ रहे हैं। तुम जो है ना एकदम बैठ के बात करेंगे ना, तो इस महीने 8 लीटर दिया तो दूसरे महीने उस व्यक्ति का नाम लिस्ट में से हटा दिया जाता है, फिर वो तीसरे महीने में उसे मिलता है। यहाँ के वितरक ठीक तरह से जानकारी भी नहीं देते। बाबा ये नंबर पाना था इधर, हाँ। 4 से 1 कौन से नाव है, नंबर भी है और नंबर गलत भी नहीं देते का। 4 ठीक से जानकारी न मिलने के कारण लोगों को केरोसिन नहीं मिल पाता है। लोग परेशान हो गए हैं क्योंकि रोजाना की जरूरत केरोसिन होने से लोगों को दिक्कतें आती है। काम धंधा छोड़कर लोग लाइन लगा कर बैठते हैं। आम आदमी इस भ्रष्ट व्यवहार के कारण अपनी जरूरत से दूर होते जा रहा है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो संबंधित जिला अधिकारी नासिक को कॉल करके इस माफियागिरी की जानकारी दी। नंबर है 02-5-2-5-7-8-5-0-0। मालेगांव महाराष्ट्र से मैं आनंद पगारे, इंडिया अनहर्ड के लिए।